हम सभी लोगों का अपनी जिंदगी को जीने का एक तरीका होता है और हम उसी तरीके के हिसाब से अपना एक रूटीन बनाते हैं और उस रूटीन में हम सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज रोजाना करते हैं। और वही लोग, पुराने पहचाने से लोग हमें रोजाना मिलते रहते हैं। वो बहुत जरूरी भी है बिकॉज अपनी जिंदगी को एक स्ट्रक्चर देने के लिए ये रूटीन भी जरूरी है, जान पहचान के लोग भी जरूरी हैं, उनसे मिलना भी जरूरी है। लेकिन जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो अलग तरह का उत्साह हमें फील होता है। बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसमें लोग रोजाना नए नए लोगों से मिलते हैं लेकिन उनका एजेंडा रहता है। तो जब हम अपने प्रोफेशनली किसी नए जगह से मिले तो दिमाग में एक एजेंडा लगातार चलता रहता है। तो ये वाले नए लोगों की बात मैं अभी नहीं कर रही हूँ, मैं उन वाले नए लोगों से मिलने की बात कर रही हूँ जिसमें हमारा कोई एजेंडा नहीं रहता। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं रोजाना कम से कम एक नए जने से जरूर मिलूं और उससे इंटरैक्ट करूं, और उसके पीछे कोई एजेंडा भी नहीं है। तो जब ऐसा इंटरैक्शन होता है किसी एक नए इंसान के साथ, तो फिर हम कुछ समय के लिए, मैं अपनी रियलिटी को भूल जाती हूँ, मेरी जो अपनी स्टोरी है लाइफ की मैं उसको भूल जाती हूँ और दूसरे इंसान की स्टोरी में इन्वॉल्व हो जाती हूँ, एनग्रॉस हो जाती हूँ, और वो चीज मुझे बहुत ज्यादा फ्रेश कर देती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो थके हुए आते हैं काम से और फिर थोड़ी देर बैठ के टीवी देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, या आजकल इंस्टाग्राम देख लेते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? बेसिकली अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से निकल के किसी और नई चीज में खोने की कोशिश कर रहे हैं और वो उनका थोड़ा सा अच्छा भी फील कराता है। लेकिन ये जब हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, चाहे वो मूवी है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो सीरियल है, तो वो बड़ा पैसिव इंटरैक्शन हो रहा है आपकी दूसरे की स्टोरी के साथ। मतलब कि वहां पे एक स्टोरी चल रही है और आप सिर्फ इसको देख रहे हैं, आपका कोई रोल नहीं है। लेकिन आप जब किसी नए जने से मिलते हैं तो आप उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व, उस समय पे आपके दिमाग में जो भी क्लटर होता है वो कुछ समय के लिए रुक जाता है, बंद हो जाता है, धीमा हो जाता है। और ये जो नया इंटरैक्शन है, ये जो नया एंगेजमेंट है, ये हमारे ब्रेन के अंदर नए न्यूरल पाथवेज फॉर्म करता है। मतलब कि हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो एक अलग पगडंडी को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, और इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में जो न्यूरॉन्स का इंटरैक्शन होता है उससे एनर्जी क्रिएट होती है, और ये एनर्जी क्रिएट होने से हमें बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है और हमारी हीलिंग होती है। तो ये वाली हीलिंग मैं अपने लिए रोजाना करती हूँ। अभी इसी वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ कुछ अपने इंटरैक्शंस जो मेरे पिछले कुछ दिनों में हुए, और हर एक इंटरैक्शन से मैं या तो एक नई चीज सीखती हूँ, एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, बहुत अच्छा फील होता है, और कुछ इंटरैक्शंस तो फिर लाइफ भर के लिए एक नया रिश्ता भी जोड़ देते हैं, विच इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। तो आप भी ट्राई करिए इस वाली टेक्निक को, छोटी सी है, बहुत प्यारी सी है, और आपको देखना कितना फ्रेश कर देगी, कितना हील कर देगी, और फिर इसको अपना एक रोजाना करने का
जो हमारा जीने का तरीका है उसमें इंक्लूड कर लीजिए। एक नए जने से रोजाना मिलना बिना किसी एजेंडा के और उसकी स्टोरी में खो जाना। ये विवेक जी हैं। मैं नालधेरा गई थी, शिमला के पास एक जगह है, और वहाँ पे गोल्फ कोर्स में थी मैं, गोल्फ कोर्स के अंदर थी। वहाँ पे खेलते खेलते फिर मैंने चलना शुरू किया और मुझे ये विवेक जी वहाँ पे मिले। इंग्लिश के प्रोफेसर हैं शिमला में और बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। तो बातें होते होते उन्होंने अपने बारे में मुझे बताया और फिर मुझे बांसुरी भी बजा के सुनाई। इस वीडियो में हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे वो हमें बांसुरी सुनाएंगे। चना भाजी इन दी आफ्टरनून। ये मैं केरला गई थी रिसेंटली और वहाँ पे इंग्लिश के टीचर हैं। गांव में स्कूल में ही पढ़ाते हैं और इनसे बात होने लगी तो इतना कुछ मुझे मालूम चला प्राइमरी स्कूल्स के बारे में केरला में, और उनका जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में, बच्चे क्या पढ़ना पसंद करते हैं, किस तरह से वहाँ पे बच्चों को वो इंगेज रखते हैं। ये तो मैं चंडीगढ़ में पीजीआई हॉस्पिटल गई थी, वहाँ पे डॉक्टर से मिलने के लिए जा रही थी और बीच में ये लेडी मिल गई, मैंने बात करना शुरू कर दिया और हमारा इंटरेक्शन होते होते इतनी खूबसूरत बात हुई जिसमें मैंने उनसे कुछ सीखा और उन्होंने मुझसे कुछ सीखा। बस यही वाली बात कर रही थी मैं जिसमें हम चलते चलते कहीं पे भी किसी से मिल जाते हैं और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, उनको अच्छा लगता है और अपने आप को बहुत अच्छा लगता है उनकी लाइफ की स्टोरी में खो जाना।